25 किलो HMX हमारे शहर में आ चुका है। मतलब 1500 लोग कम से कम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AV बॉक्स ऑफिस में एक बार फिर से। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सनी देओल सर जी की फिल्म ब्लैंक के पूरे 3 दिन के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हॉलीवुड टॉलीवुड और साउथ की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आपके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों अगर हम बढ़े हमारी फिल्म की तरफ, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि सनी देओल सर जी मशहूर है अपनी दमदार एक्टिंग और दमदार आवाज़ और साथ ही साथ में अपनी दमदार परफॉर्मेंस के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के नाम को साथ साथ में नजर आ रहे हैं सनी देओल जी के साथ में अक्षय कुमार जी के साले साहब जी हैं दोस्तों करण कपाड़िया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिल्म के अंदर काफी एक्शन के साथ साथ में इमोशन भी देखने के लिए मिल रहा है और यह फिल्म आधारित है टेररिस्ट के ऊपर। वहीं पर दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म को डायरेक्ट किसने किया है, तो इस फिल्म को डायरेक्ट करा बेजाब खमान बाडा ने। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट तकरीबन 20 करोड़ रुपए है। वहीं पर इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का खर्चा मिलाकर बैठा है तकरीबन 5 करोड़ रुपए। इसी के साथ में ये फिल्म कंप्लीट होती है 25 करोड़ रुपए में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो ऑल ओवर इंडिया में स्क्रीनें दी गई हैं वो तकरीबन 1000 स्क्रीनें हैं। इसी के साथ में अगर बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन में का ग्रॉस कलेक्शन करा है 3,50,00,000 रुपए। वहीं पर इस फिल्म ने और इससे कमाया है तकरीबन 2 करोड़ रुपए। वहीं पर इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका था पहले दिन का 5,50,00,000 रुपए। वहीं पर दोस्तों अगर हम बड़े इस फिल्म के दूसरे दिन के ग्रॉस कलेक्शन की तरफ, तो इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन का ग्रॉस कलेक्शन करा 4,50,00,000 रुपए। वहीं पे इस फिल्म ने अपने ओवर इससे कमाए 2,50,00,000 रुपए। इसी के साथ में इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ दूसरे दिन का 7 करोड़ रुपए। वहीं पे दोस्तों अगर हम बढ़े हमारे तीसरे दिन की तरफ, तो दोस्तों हमारा तीसरा दिन है संडे का दिन, और संडे के दिन कोई सी भी फिल्म हो अच्छा कारोबार करती है। तो दोस्तों संडे के दिन यह फिल्म कमाते हुए नजर आ रही है तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए ग्रॉस कलेक्शन। वहीं पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह फिल्म ओवर इससे कारोबार कर रही है तकरीबन 2 करोड़ रुपए। इसी के साथ में इसका इंडिया का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो जाएगा 7,50,00,000 रुपए। तो दोस्तों अब तक का इसका टोटल कलेक्शन की बात करें, तो इस फिल्म ने अब तक का टोटल कलेक्शन कर लिया है 13,50,00,000 रुपए। वहीं पर इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है 20 करोड़ रुपए। जहां पर इस फिल्म को हिट होने के लिए कमाने थे 30 से 35 करोड़ रुपए, वहीं पर इस फिल्म ने अपने 3 दिन में तकरीबन 13 करोड़ का कारोबार कर लिया है। इससे यह कहना गलत नहीं होगा कि यह फिल्म हिट होने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वैसे दोस्तों अगर आप ये फिल्म देख के आए हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको फिल्म कैसे लगी। चलिए दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम, ध्यान रखें अपना और अपने माता पिता का, और अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।